Court has declined to entertain a petition of state government to hand over Vyapam. Investigation to CBI saying that Supreme Court has also seen the petitions tomorrow, so let's wait for that. कल सारी पिटिशंस लगी हैं जो मेन विसल ब्लोअर हैं उनकी भी और श्री दिग्विजय सिंह जी की भी और दो और पिटिशंस लगी हैं जिसमें गवर्नर का चैलेंज हुआ है कॉशिंग ऑफ द एफआईआर तो हाई कोर्ट ने वो यही समझते हुए अपने उसमें विवेक लगाते हुए किया होगा कि अब सब कुछ सब सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है और सारे हर कोई जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर चुके हैं So it's better that Supreme Court should decide the issue. कांग्रेस ने कल ही देश के चौथे स्तंभ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से इस बात की अपनी अभिमत स्पष्ट किया था कि मुख्यमंत्री ने माननीय हाई कोर्ट को सीबीआई को पत्र लिखकर जो जांच कराने की इच्छा प्रकट की है वो प्रदेश और देश की जनता के साथ और संविधान के साथ एक बड़ा धोखा किया है उन्होंने चूंकि मुख्यमंत्री एक संविधान में इंडिविजुअल है महत्वपूर्ण यह था कि कैबिनेट से यह प्रस्ताव पारित होता और वो डीओपीटी में जाता है कल तक जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमें सीबीआई जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है हमें हाईकोर्ट पर भरोसा है हमें एसआईटी पर भरोसा है हमें एसटीएफ पर भरोसा है तो वही मुख्यमंत्री माननीय न्यायालय को चिट्ठी लिखकर या आग्रह करने वाले होते कौन है यह तो न्यायालय की अवमानना है मुख्यमंत्री को अपनी कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके उसे डीओपीटी को भेजना था और वह सीबीआई की जांच के लिए सीबीआई को भेजती सीबीआई उस पर इन्वेस्टिगेट करता देन डिसाइड होता कि सीबीआई जांच इस प्रकरण की होगी या नहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट की अवमानना की है और मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय से बार्गेनिंग की है इसके लिए मुख्यमंत्री देश की जनता से हमारे संविधान से और प्रदेश की जनता से माफी मांगे आज अपने निर्णय में अपने ऑर्डर में माननीय जबलपुर हाईकोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है तो सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई तक इसको स्थगित किया जाता है और शायद 17 तारीख जुलाई तक इसको उसको फिर एक बार सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने के बाद राज्य सरकार अपनी तरफ से इच्छा जाहिर किया है सीबीआई प्रोब के लिए तो ये पोजीशन राज्य सरकार का इसमें कोई परिवर्तन नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि मान्य सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इसमें उचित निर्णय करेंगे और सीबीआई के द्वारा ये जांच व्यापम की जांच कराने की सरकार की जो सुझाव है उसको कबूल करेंगे